अब मैं उस कवित्री को बुलाना चाहता हूँ। मुझको तो आप सिर्फ सुन सकते हैं, पर उनको सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं। बहुत अच्छी कवित्री है मित्रों, अंशु दुबे, पूरे हिंदुस्तान में जानी जाती है। जल्दी में वो दुबई का कवि सम्मेलन करके आई है। मैं भी पिछले दिनों थाईलैंड गया था, कविता सुनाने गया था बेटा, कविता सुनाने गया था, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पता आपका कहाँ जाना, हमारे राहुल गांधी जी जाते हैं थाईलैंड, वो 3 राज्यों के चुनाव हार गए, 1 महीने तक दिखाई नहीं दिए, मीडिया वाले ढूंढ रहे थे, सब ढूंढ रहे थे। 1 महीने बाद राहुल जी दिखाई दे गए, तो मीडिया वाले ने एक ने पूछा उनसे कि राहुल जी आप कहाँ पर गए थे, कहते हैं मैं चिंतन करने थाईलैंड चिंतन करने गया था। तो चिंतन करने कहाँ गए थे, कि चिंतन करने में थाईलैंड गया था। भाई साहब मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, मैं 22 दिन थाईलैंड रह आया और वहां पर मैं बैंकॉक गया, प्रतुनाम गया, फुकेट गया, पटाया गया, सुकमवित गया। मैंने थाईलैंड की गली गली घूमी, हर शहर घूमा, हर शहर में मेरा कवि सम्मेलन था। वहां पे सब कुछ हो सकता है पर चिंतन नहीं होता। तो मित्रों बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, पर अंशु को मैं 3 पंक्तियों के साथ बुलाना चाहता हूं। अंशु के बारे अंशु को देख लेना, और कहीं जगपाल सिंह सरोज साहब लिखते हैं सर पंक्ति सुनना कि देख पाल की जिस दुल्हन की, अंशु सच में बहुत प्यारी है, और जितना वो देखने में प्यारी है उसका व्यवहार नेचर भी बहुत ज्यादा प्यारा है। हमारी कवि सम्मेलन में कुछ अव्यवस्था फैल गई थी, तो मैंने अंशु को एक फोन किया कि अंशु मुझे बता दो, अंशु के एग्जाम भी आने वाले हैं 8 मार्च से, लेकिन अंशु ने कहा कि अमित मैं जरूर आऊंगी, और जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है, देश बंधु का प्रोग्राम है, मैंने कहा एक बार आप आ जाना अंशु, ये देश बंधु के लड़के आपको पलकों पर बिठा लेंगे। मुझे पता कि कुछ आपको कहां से लगेगा। तो मैं अंशु के बारे में यही कहना चाहता हूं कि देख पाल की जिस दुल्हन की, बहक गया हर एक बाराती, जिसके द्वार उठेगा घूंघट, जाने उस पर क्या गुजरेगी। अगली पंक्ति पर एक हाथ भी खामोश ना रहे मित्रों, अंशु को उस ऊर्जा के साथ बुला देना जिस ऊर्जा के लिए दिल्ली NCR जाना जाता है, जो मैं भी आपके देता हूँ। कि देख पाल की जिस दुल्हन की, बहक गया हर एक बाराती, जिसके द्वार उठेगा घूंघट, जाने उस पर क्या गुजरेगी। और एक रात सपने में छूकर तन मन चंदन वन कर डाला, जो हर रोज छुआ जाएगा उस पागल पर क्या बीतेगी। आपकी तालियां मुझे बताएंगी कि मुझे कितनी देर पढ़ना है, मुझे क्या पढ़ना है। चलो जुड़ो जी, स्वागत। ये संचालक जो होते हैं ना, इनका काम होता है बोलना, इनका काम होता है बोलना, इनको इसी के पैसे दिए जाते हैं। नहीं, मैंने बहुत कम पेमेंट पे हाँ कर दिया, जब मुझे पता लगा ना सूबी आएगी। बस ऐसे ही लोगों के लिए मैं ये 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। मैं हर इंसान को अपनी नजर से तोल लेती हूँ। अच्छा तराजू है जी। अमित जी आगे की पंक्तियां सुनिएगा, फिर मैं आपसे बात करूंगी। सुना दो, तो आपको सुनने के लिए बैठे, क्योंकि देख तो हम सकते नहीं। मैं हर इंसान को अपनी नजर से तोल लेती हूँ, जरूरत हो तो शरबत में भी मिर्ची घोल देती हूँ। जो मुझसे प्यार के इजहार में परिचय बढ़ाते हैं, जो मुझसे प्यार के इजहार में परिचय बढ़ाते हैं, उन्हें पहचान कर पहले ही भैया बोल। आपके सामने हो रहा है सारा काम, गलत बात है। मैं बता रहा हूँ 70 साल पहले अंग्रेजों के सामने, गलत बात है। बस मैं अंशु से यही कहना चाहता हूँ, अंशु ने कह दिया मैं भैया बोल देती हूँ, मैं अंशु से ये कहना चाहता हूँ कि अंशु कि बेसुरा सुर हो गवैया हो नहीं सकता। घबरवा ध्वनि तेरे पंक्ति सुन दादा सुनो, कि बेसुरा सुर हो गवैया हो नहीं सकता, और डरे जो डूबने से वो खिवैया हो नहीं सकता।
आपकी जिम्मेदारी पे बढ़ रहा हूँ, जितने लड़के खड़े हैं कम से कम वो तो मेरी तरफ हो, लड़कियां तो बनाप हो जाएंगी। चौथी पंक्ति पर अगर अंशु को सही जवाब मिल गया हो तो कभी सम्मान उठा देना कि बेसुरासुर हो गवैया हो नहीं सकता, दरे जो डूबने से वो खिवैया हो नहीं सकता, और बहुत समझदार हो अंशु, सब जानती हो तुम, इतना हैंडसम लड़का भैया हो नहीं। अमित जी महफिल तो आपने लूट ली, चलिए अब आपके ही तरीके में आपसे बात करते हैं। स्वागत। कि मैं उल्फत की कहानी को जरा आगे बढ़ा दूंगी। हाँ जी आगे बढ़ाओ। चलिए मान ली आपकी बात मैंने, धन्यवाद, लेकिन शर्त है। आपकी सारी शर्तें मंजूर है, कबूल है, कबूल है, कबूल। मैं उल्फत की कहानी को जरा आगे बढ़ा दूंगी, वो गुस्सा भी करेगा तो मैं उससे मुस्कुरा दूंगी। वाह, मोहब्बत एक तरफा हो तो फिर उसमें मजा क्या है, मोहब्बत एक तरफा हो तो फिर उसमें मजा क्या है। और आखिरी पंक्ति में जितनी भी लड़कियां यहाँ खड़ी हैं, जितनी बहनें हैं, मैं उनकी तालियां चाहूंगी। मोहब्बत एक तरफा हो तो फिर उसमें मजा क्या है, अगर बर्तन वो मांजेगा तो मैं खाना बना दूंगी। बहुत बढ़िया। तो मैं आपके बारे में नहीं सोच रहा हूँ, उस लड़के के बारे में सोच रहा हूँ जिससे आपकी शादी होगी। मुझे इतनी जल्दी नहीं है, घबराइए मत, पहले आपका नंबर आएगा फिर मेरी बलि चढ़ेगी। नहीं देखो ये आपका भ्रम है अंशु, आप कहते हो कि हम शादीशुदा नहीं है। ये अंशु मुझसे कहती है, अंशु मुझसे कहती है, जब मैं कहता हूँ कि अंशु मुझे शादी नहीं करनी तो ये परेशान हो जाती है, कह देती है कि अमित क्या आप जीवन में आप ब्रह्मचारी रहोगे, तो मैं इससे कहता हूँ कि ब्रह्मचारी तो नहीं कह सकते पर कुंवारा कह सकते हैं। बस चार पंक्तियां पढ़ूंगी आपके लिए अमित जी। स्वागत है। बेटी है मगर इस तरह लाचार नहीं है। वाह। बेटी है मगर इस तरह लाचार नहीं है। हाँ। बातें ये मुझे आपकी स्वीकार नहीं है। वाह। ऐसा नहीं जवाब को तैयार नहीं है, ऐसा नहीं जवाब को तैयार नहीं है, तैयार नहीं है, पर क्या करे अपने ये संस्कार नहीं है। वाह। क्या करें अपने ये संस्कार नहीं है। और बेटियां जो होती हैं, तो अंशु मैं आपको एक बात बता रहा हूँ जी, संस्कार की बात तो दादा कमल मनोहर ने बहुत कर ली, हम भी कभी कभी कर लेते हैं, ये लड़के बड़ी उम्मीदों से आपकी तरफ देख रहे हैं, कुछ संस्कार तो अगर ढंग की सी बात हो जाए तो और अच्छा लगेगा। मैं जोरदार तालियां बजा के अंशु का आदर कर रहा हूं, संस्कार तो करते ही रहेंगे। स्वागत अंशु। अपना घर माना है छोड़ कर न जाऊंगी, अपना घर माना है छोड़ कर न जाऊंगी, तेरे साथ हर रिश्ता उम्र भर निभाऊंगी, आपके शहर में मैं, आपके शहर में मैं पहली बार आई हूँ, आप प्यार देंगे तो बार बार आऊंगी। अरे अंशु, अंशु आप तो एक काम करो, आप यहीं रुक जाओ, कालका जी में फ्लैट दिलवा देंगे। बस करिए अमित जी, आपका गला सूखने लगेगा, पानी की जरूरत पड़ जाएगी, पानी कम पड़ जाएगा। बच्चे आपकी भूल है, सूखता मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ हरा भरा रहता है। श्रृंगार की कवित्री हूँ, श्रृंगार करती हूँ, श्रृंगार लिखती हूँ, इश्क मोहब्बत प्यार लिखती हूँ, एक प्यार का गीत आपके बीच रखती हूँ, आपके शहर के नाम ये गीत करती हूँ। चली पवन पुरवाई रे, कहीं पे बजी है शहनाई रे, सारी दुनिया छोड़ के मैं तो तेरे शहर में आई रे। चली पवन पुरवाई रे,
कहीं पे बजी है शहनाई रे, सारी दुनिया छोड़ के मैं तो तेरे शहर में आई रे, चली पवन पुरवाई रे, कहीं पे बजी है शहनाई रे, चली पवन पुरवाई रे, कहीं पे बजी है शहनाई रे। और आधी रात को देखा मैंने तेरे शहर का सपना, तेरे शहर का सपना, गलियां थी अनजान यहाँ की, कोई नहीं था अपना, कोई नहीं था अपना। फिर सोचा देखूं मैं चलकर तेरे शहर की प्रेम डगर पर, फिर सोचा देखूं मैं चलकर तेरे शहर की प्रेम डगर पर, ऐसा ना हो दिल भी टूटे और मिले रुसवाई रे, चली पवन चली पवन पुरवाई रे, कहीं पे बजी है शहनाई रे। और ये दूसरा बंद आप सभी के लिए, कि प्रेम नगर का तू शहजादा, कि प्रेम नगर का तू शहजादा, तेरी मीठी बातें, अरे तेरी मीठी बातें, पल दो पल का साथ हमारा, रह जाएंगी यादें। काश कि कुछ ऐसा हो जाए तुझको भी अब नींद ना आए, काश कि कुछ ऐसा हो जाए तुझको भी अब नींद ना आए, आ तुझसे दो बातें कर लूं, रात मिलन की आई रे, चली पवन और इस गीत का आखिरी बंद स्वागत। तुझ में सागर की गहराई, मैं नदिया की कलकल, मैं नदिया की कलकल, तुझ में सागर की गहराई, मैं नदिया की कलकल, मैं नदिया की कलकल, प्रीत अधर पर ठहरी सी है, मेरे नैना चंचल, मैं भी तो हूँ मीरा रानी, मेरी अपनी एक कहानी, मैं भी तो हूँ मीरा रानी, मेरी अपनी एक कहानी, मैं बस तेरी ही दीवानी, मेरे कृष्ण कन्हाई रे, चली पवन पुरवाई रे, कहीं पे बजी है शहनाई रे। और मैं सच कहती हूँ, मैंने जितने मंच पढ़े हैं, इतने प्यार से, इतने अच्छे तरीके से गीत पहले कहीं नहीं सुना गया यहाँ की ऑडियंस। अपने लिए तालियां बजाइए। नहीं, मैंने तो पहले कह दिया था देशबंधु है। बिल्कुल सही बात है, देशबंधु है। इसमें देश ही देश तो बंधु को ही नहीं। जितना प्यार आप मुझे दे रहे हैं, आप सभी के लिए चार पंक्तियां पढ़ती हूँ। नहीं, और ज्यादा मिलेगा मुझे, तालियां मिलेंगी, इससे अच्छा और क्या होगा। वाह। वैसे तो जमाने से न शिकवा न गिला है, वैसे तो जमाने से न शिकवा न गिला है, सच कह रही हूँ दिल का फूल आज खिला है, ता उम्र इसे रखूंगी सीने में सजा कर, ता उम्र इसे रखूंगी सीने में सजा कर, सीने में सजा कर, जो प्यार मुझे आपकी महफिल में मिला है, जो प्यार मुझे आपकी महफिल में मिला है, इस दिल में तेरे प्यार का अरमान बहुत है, रोने लगूं तो दर्द का सामान बहुत है, जाना कहाँ पंखों की जरूरत नहीं मुझे, जाना कहाँ पंखों की जरूरत नहीं मुझे, जरूरत नहीं मुझे, मुझको तेरी बाहों का आसमान बहुत है, मुझको तेरी बाहों का आसमान बहुत है। अब आप ये बताइए कि आप श्रृंगार का गीत सुनेंगे या हास्य का गीत सुनेंगे? कोई नहीं जिन्हें प्यार में करूं। बहुत कम नजर आ रही है, लेकिन जितनी भी हैं हम कम ही हैं, लेकिन मेरी पंक्तियां अगर आपके दिल तक पहुंचे और आपको लगे कि मैं सच बोल रही हूँ, ऐसा है, तो पीछे मत रहिएगा, ये लड़के संख्या में ज्यादा होंगे लेकिन दम तो हमारे अंदर है।
ये लड़कियां और सच कहीं दूर दूर तक वास्ता ही नहीं है। ये हमारी टीचर्स बैठी हैं आगे पहली पंक्ति में, क्या बात है। हमारी माँ है, ये तो हमारी माँ है, तो हमेशा सच बोलती है। बात ऐसे हो रही थी, ये पीछे भाई ये जो लाइट है इस लाइट को बंद कर दीजिए। हाँ ये जो है, हाँ सामने तो चित्र नजर नहीं आ रहा। स्वागत अंशु, आप तो पढ़ते रहो, आप तो खड़ी भी रहोगे या ऐसी ताले बजाते रहेंगे। हाँ वो तो नजर आ रहा है मुझे। तो लड़कियों अगर आपकी तरफ से मैंने जवाब दूं सही दूं तो अपना हाथ उठाकर तालियां बजाइएगा। स्वागत। कोई नहीं ऐसा जिससे प्यार में करूं, कोई नहीं ऐसा जिससे प्यार में करूं, अपनी वफा का इजहार मैं करूं। कोई नहीं ऐसा जिससे प्यार मैं करूं, कोई नहीं ऐसा जिससे प्यार मैं करूं, अपनी वफा का इजहार मैं करूं। कोई नहीं ऐसा जिससे प्यार मैं करूं। कैसे मम्मी हैं आँखों में सजे प्रेम के काजल की तरह है, हमसे ही हर खुशी है संवरती है जिंदगी, हमसे ही हर खुशी है संवरती है जिंदगी, संवरती है जिंदगी। हम बेटियां मरुथल में काके। और जाते जाते मैं चाहती हूँ कि आपको मेरी ये पंक्तियाँ याद रह जाए। जाते जाते दे रही मैं सबको संदेश, जाते जाते दे रही मैं सबको संदेश, शांति एकता से फले फूले भारत देश, रहे सब लोग सहिष्णु, रहे सब लोग सहिष्णु, अली हो या हो विष्णु। वाह वाह वाह।